ओम क्रीम कालिकाय नमः। मेरा नाम है नीलम दुर्गानी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आपको होगा धन लाभ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन माता के नाम का जयकारा जरूर लगाइएगा। माता आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आपको धन लाभ होगा। आपके पास दो ऑप्शन है, एक है ये गाय और एक है ये नवग्रह पिरामिड। दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करें। बेटा है वो आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो सिलेक्ट क्या है, गौ माता को जानते हैं कि क्या आपको होगा धन लाभ। यहां पर हमें सीधा एस ऑफ पेंटिकल्स आया है जो बताता है डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल गेन होने वाला है। आपके घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश जल्द ही होने वाला है। साथ में सन कार्ड है, बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं आपके लिए। एक और फाइनल कार्ड निकालते हैं और ये ब्लेसिंग का कार्ड है। यहां पर आपको ब्लेसिंग्स है, खजाना है और साथ में आप यहाँ पर शाइन कर रहे हैं। तो जो भी आप चाहते हैं आपको डेफिनेटली वो मिलने वाला है। माता का आप पर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आपकी किस्मत बदलने वाली है। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन होगा, जो चाहते हैं वो मिलेगा। व्यापार में वृद्धि होगी आपको और यहाँ पर आपके परिवार में खुशियाँ आएंगी। जानते हैं जिन्होंने सेलेक्ट किया है नवग्रह पिरामिड, क्या आपको भी होगा धन लाभ। यहाँ पर हमें मिला है एस ऑफ सॉर्ड्स। आने वाले समय में आपकी बातचीत होगी, आप किसी से डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पर हम देखें तो एक पर्सन दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, फाइनेंशियली इमोशनली फिजिकली पेन में है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आप किसी से बात करने वाले हैं, लेकिन आप देखें तो ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा दुखी है। तो यहाँ से कोई कम्युनिकेशन आएगा और यहाँ पर कोई बढ़ रहा है आपकी तरफ। ऐसा लगता है कि आपने लोन ले रखा है, बहुत ज़्यादा कर्जे में है इस समय आप। और एक नकारात्मक ऊर्जा है जो लगातार आपकी सिचुएशन को बिगाड़ रही है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण आपके घर में कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा है। और यहाँ पर माँ लक्ष्मी नहीं है आपके घर में। आपको पूरे घर की शुद्धि करानी चाहिए, आपके घर में आपको पूजा करनी चाहिए, माता की आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर जो ये नकारात्मक ऊर्जा उपस्थित है, इसको आपको किसी तरीके से अपने घर से निकालना होगा। जब तक ये नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से नहीं जाती है, आपके घर में सुख संपत्ति धन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसका उपाय आपको करना चाहिए। अगर आप किसी भी नेगेटिव एनर्जी से परेशान हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। माता की मंत्रित पोटली आप ले सकते हैं नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए। आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा उपस्थित है, ये आपके शुभ कार्य होने में एक विघ्न डाल रही है। आपके घर में फाइनेंसेस नहीं दिख रहे हैं, उल्टा ये दिख रहा है कि आने वाले समय में आप कर्जे में आ सकते हैं या ऑलरेडी आप कर्जे में हैं। तो फाइनेंशियल लॉस है और कर्जा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आपको माता की कृपा प्राप्ति के लिए माता की आराधना करें, घर में साफ सफाई रखें और नॉनवेज अगर खाते हैं तो वो ना खाएं। ऐसा करने से बहुत कुछ बदलेगा, माता की कृपा भी आपको मिलेगी। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।